गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। ओके तो बच्चों चैप्टर निकाल लीजिए 16, एयर एंड वाटर। सभी बच्चे बुक निकालेंगे, क्लास फर्स्ट के पेज नंबर 95 पर जाइए, ईवीएस की बुक ओपन। देखिए बच्चों, चैप्टर 16 है एयर एंड वाटर। एयर मीन्स हवा, एंड मीन्स और, वाटर मीन्स पानी। एयर एंड वाटर, हवा और पानी। देखिए बच्चों, पुट अ टिक अगेंस्ट द राइट एक्शन। तो आपको जो राइट एक्शन है उसके ऊपर राइट का टिक लगाना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है बच्चों, ये रॉन्ग है। देखिए फर्स्ट एक्शन है, ये क्रॉस का टिक लगा लीजिए। सेकंड एक्शन है, राइट का टिक लगाइए। थर्ड ऑप्शन राइट का, फोर ऑप्शन राइट का, ठीक है। निकालिए पेज नंबर 96। देखिए बच्चों, आज हम एयर के बारे में रीडिंग करेंगे। एयर मीन्स क्या होता है? हवा। ओके, एयर मीन्स हवा। तो चैप्टर 16 का पार्ट फर्स्ट करवाने जा रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। तो देखिए, एयर इज ऑल अराउंड अस। बच्चों, हवा जो होती है हमारे चारों तरफ है। एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा चारों तरफ है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। ये सभी जीवित चीजों को जीवित रखने में काम आती है, जीवित रखती है। We cannot live without air for more than a few minutes. तो बच्चों, हम हवा के बिना कुछ मिनटों से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते ना, कुछ मिनटों के लिए ही हम जीवित रह सकते हैं, अधिक समय के लिए जीवित नहीं रह सकते अगर हवा नहीं मिलेगी। वी कैन नॉट सी एयर, हवा को हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट, उसको हम महसूस कर सकते हैं। हवा को हम महसूस कर सकते हैं, हवा जो है हमें बच्चों दिखाई नहीं देती। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। जो पृथ्वी की चारों तरफ हवा का एक कंबल होता है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, वातावरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा और गैसों का मिश्रण कैसे होता है? देखिए, ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो बच्चों, मनुष्य और जानवरों को सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, ठीक है। मनुष्य और जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, लेकिन पौधों को, ठीक है, लेकिन क्या है, पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ठीक है। मनुष्य और जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, टेक टू बैलून्स फिल वन विद एयर वेट बोथ द बैलून्स। व्हाट डू यू फाइंड? द बैलून विद द एयर फिल्ड इन
एंड इट हैज़ मोर वेट देन वी अदर बैलून। देखो बच्चों, ये दो बैलून लिए गए हैं, टू बैलून्स। एक में हवा भरी गई है, देखिए बैलून फिल्ड विद एयर, और एक में बिना हवा का है, ठीक है। तो इन्होंने बिना हवा की तुलना में भरे हुए हवा का गुब्बारा जो है वो क्या है, वजन में भारी होता है, ठीक है। दो गुब्बारे लिए गए यहाँ, हवा के साथ भरा हुआ है एक तो, और एक खाली है। जिस बैलून में हवा भरा हुई है वो क्या है, दूसरे गुब्बारे की तुलना में क्या है, उसमें अधिक वजन होता है। इससे पता चलता है कि हवा का वजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट। इससे बच्चों पता चलता है ना हमें कि हवा का भी वजन होता है, जैसे पवन चक्की में, वाइंड मिल, क्लोथ्स ब्लोइंग, ड्राइंग, कपड़ों को सुखाने में, काइट फ्लाइंग, पतंग को उड़ाने में, वुड बर्निंग, आग जलाने में, लकड़ी जलाने के लिए, और सेल बुक में। यूजेस ऑफ एयर, यूजेस ऑफ एयर। अब देखिए हवा का उपयोग कैसे होता है, एयर हेल्प्स वाइंड मिल टू मूव। हवा की मदद से बच्चों क्या होता है, वी नीड एयर टू ड्राई क्लोथ्स, कपड़े सुखाता है, पवन चक्की में काम आता है। एयर इज नीडेड टू सेल बोट एंड फ्लाई काइट्स, और नौकाओं और पतंग उड़ाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, जलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। स्विमिंग टायर्स टू बैलून्स एक्सेट्रा हैव एयर इनटू देम। और क्या है बच्चों, तैरने वाले टायर टू बैलून, इन सब में भी हवा डाली जाती है या हवा की आवश्यकता होती है। स्ट्रॉन्ग वाइंड जो हवा मजबूत होती है, ठीक है। तेज जो हवाएं चलती हैं ना बच्चों, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स होती है, मजबूत हवा होती है, जो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग वाइंड्स काजेज स्टॉर्म्स, दे कैन अपरूट हाउसेस, ट्रीज एंड हर्ट पीपल। तो क्या करती है, लोगों के जो मजबूत हवाएं होती हैं, तेज हवाएं जो चलती हैं, वो क्या करती हैं बच्चों, तूफान भी लेके आती हैं, स्टॉर्म्स, तूफान, जिससे क्या है, पेड़ों, घरों को नुकसान होता है। वो क्या है, लोगों के पेड़ों को, झोंपड़ियों को, घरों को फाड़कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, वाटर। अब देखिए वाटर की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है ना। लाइक एयर वी आल्सो नीड वाटर टू लिव, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो बच्चों पानी भी हमारे लिए, जैसे हवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे पानी की भी ज़रूरत होती है। हवा की तरह हमें रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। पृथ्वी के तीन चौथाई जो हिस्सा होता है वो क्या है बच्चों, पानी का होता है। पृथ्वी की तीन चौथाई जो भाग होता है वो पानी से क्या होता है, ढका हुआ होता है, कवर्ड विद वाटर, ढका हुआ होता है। तो बच्चों आज इतना ही, अच्छी तरह करना रीडिंग। कल आपको पार्ट सेकंड में चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। ओके बच्चों।